नमस्कार, मैं विनय कुमार, स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आखिर की खोटा कविता संग्रह पुस्तक के बारे में, जिसके लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं, जिसमें आया हुआ लेसन सखी आज तोर आशे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ों को बताया गया। हम लोग को खोटा पद भाग में 3-4 पुस्तक को पढ़ना है, जिसमें दामोदरिक कुराएँ, आखे गीत, खोटा काठे पैदे खंडे और एक मोनी फूल पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, जिसमें दामोदरिक कुराएँ के लेखक शिवनाथ प्रमाणिक जबकि आखे गीत के लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं। वहीं खोटा काठे पैदे खंडी एके झा के द्वारा लिखा गया है, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा एक मोनी फूल को लिखा गया है। इनमें से सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं एक एक करके, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं आँखें के गीत। इस पुस्तक के बारे में हम लोग जानेंगे किस चीज़ों को। तो इस पुस्तक में टोटल 71 कविताओं को शामिल किया गया है और इसमें एक लेसन है जिसमें 11 छनिका को शामिल किया गया है। इसके लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को बरवाड्डा धनबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम दुखनी देवी जबकि पिता शालिग्राम पानुरी थे। इनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हो गया था और इनके द्वारा रचित कुछ रचना है, जैसे बाल किरण, दिव्य ज्योति, तितकी, रामकथा अमृत, चाभी काठी और उद्भासल करण। बताते चलें कि भीष्म पितामह के नाम का उपाधि इनको विश्वनाथ दशमधिराज के द्वारा जबकि पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा वाल्मीकि का उपाधि दिया गया था। वहीं खोटा टैगोर के नाम से इनको विकल शास्त्री के द्वारा पुकारा जाता था। देखिए इसमें सखी आज तोरा से ये बोल रहा है कि सखी आज हम तुम्हारे आस में क्या हो रहा है, सो अभी भी क्या कर रहा है, सो इसको बता रहा है। कवि बोलता है सखी आज तोरा से तरु तरे बास, तरु आने पेड़ के नीचे हो जाएगा। वही बोलता है कि सखी आज तोरा से तरु तरे बास, आज हो नदी पानी बोहे, आज हो गाछे फूल, आज भी नदी में पानी बहता है, आज भी गाछ में फूल है, आज हो पथे पथिक, आज हो वह कुल, आज भी पथ में यानी रास्ते में पथिक है, राहगीर है, और आज भी वही क्या है, कुल है, आज हो वह कूप सखी, आज हो वह तरास। बोलता आज भी वही कुआं है सखी, आज भी हमको वही तलाश है, तरास कहने का मतलब वही खोज है, आज हो तो रास है तरु तरे वास। बोलता है आज भी तुम्हारे आस में, तुम्हारे उम्मीद में क्या है, पेड़ के नीचे जो है हम बैठे हुए हैं सिर्फ तुम्हारी यादों में। आज हो वह देविक थान पाखिक मधुर गान, आज हो वह डहर पुराण। बोलता है आज भी वही देवी का स्थान है, वही पूजा का स्थल है, आज भी पंछी का वही मधुर गान है, और आज भी वही रास्ता जो है पुराना है, बासी वह है गान और बंसी में भी वही गान है, वही धुन है, वही मधुर आवाज है, आज हो युगल चरने दाग। बोलता है आज भी जो है चरने दाग यानी चरण का पद जो आता है उसी को बोलता है, आज हो युगल चरने दाग, युगल यानी हम दोनों का चरण का जो दाग है आज भी वही है, राजे हृदय मांच। और कहाँ ही जगह बना लिया अपने राज कर रहा, कहाँ हृदय के बीच में आने, आज भी तुम्हारे चरण का दाग जो है हमारे हृदय में घर किए हुए है, आज हो तोरे आसे। देखिए इसको कंप्लीट तौर पर हम लोग देखेंगे। और बोलता है सखी आज तोर आसे तरु तरे बास, यानी सखी आज तुम्हारे आस में क्या है, पेड़ के नीचे मेरा बास है, आज हो नदी पानी बोहे, आज हो गाछे फूल, आज हो पंथे पथिक, आज हो वह कुल। बोलता है आज भी नदी में पानी बह रहा है, गाछ में वही फूल है, पेड़ में पथ में पथिक वही चल रहा है, और वही कुल और शालीनता है, आज हो वह कूप सखी, आज हो वह तरास, आज भी वही कुआं है, आज भी वही तलाश है, आज हो तो रास है तरु तरे वास, आज भी तुम्हारे आशा में उम्मीद में मेरा पेड़ के नीचे वास है, स्थान है, जगह है, आज हो वह देविक थान पाखिक मधुर गान, आज हो वह डहर पुराण बासी वह गान, आज हो युगल चरने दाग राजे हृदय मान, आज हो तो रास है। बोलता आज भी तुम्हारे आस में, तुम्हारी उम्मीद में मेरा पेड़ के नीचे ही अपना जगह बनाए हुए है, ठाँव जगह रहने का स्थान बनाए हुए है, आज भी देवी का वही स्थान है, पंखी का वही मधुर गीत है, और वही पुराना रास्ता है, बासी माने कि बंशी का वही मधुर गान है। इसमें देखेंगे आप, बोलता आज हो युगल चरने का दाग यानी आज भी हम दोनों के चरण का पद का जो दाग है हमारे हृदय के बीच में जो घर बना लिया है, क्यों सिर्फ तुम्हारे आस में, तुम्हारे उम्मीद में। इसको अगर हम शॉर्ट भावार्थ के रूप में देख पाएं कि सखी आज तोरा से, तो हम देखते हैं इसमें कि
कवि अपनी प्रिया की आस में उसी पेड़ के नीचे बैठा है जहाँ कभी उससे मिला करते थे। सभी चीज़ें यथावत है, सिर्फ प्रिया नहीं, यानी सब कुछ जैसे का तैसे है, सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक बार और अगर हम आपको बताते चाहें तो देखता है कि कवि को अपने प्रेसी के साथ बिताए वे सभी पल याद है। कवि कहता है, सखी आज भी तुम्हारी उम्मीद है, इसी उम्मीद में वृक्षों के नीचे मेरा निवास हो चुका है। आज भी नदी में पानी बहता है, पेड़ों पर फूल खिलते हैं, भोरे भी उम्मीद में है, आज भी देवी का वही स्थान है और पंछियों का वही गान है। इस तरह से कुछ कवि बताने का इसमें कोशिश कर रहा है। आपको बताते चलें कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बोलता है कि सखी आज तोरा से कविता कौन किताब से ले गई है, तो आँखें गीत तामुद्रे कुराए एक मोनिफूल और खोटा काठे पैदे खंडी। तो आप जान रहे हैं कि हम आँखें गीत का पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसी से लिया होगा, ऑब्वियसली इसका आंसर ए हो जाएगा। आज जो वह देविक थान पाखिक मधुर गान, आज जो वह डहर पुराण, ये पंक्ति जो है किस कविता से आया हुआ है, तो इस कविता का नाम है सखी आज तो रास है, यानी सखी की आस में उम्मीद में, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसका इसके बाद हम आपको बताते चलें कि स्टडी फॉर गोल्स पर टेलीग्राम में क्विज कराया जा रहा है फ्री का, आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसके साथ ही रंजीत सर के द्वारा तैयार किया गया खोटा भाषा से संबंधित सभी पाठ्यक्रम में जितने भी पुस्तक हैं उन सभी का लेखक के जीवनी और प्रकाशन ईयर, इन सारी चीज़ों का संक्षिप्त विवरण आपको एग्जामिनेशन के व्यू से शॉर्ट नोट्स में तैयार करके उपलब्ध कराया गया है। तो आप आइए यहाँ पर और रंजीत सर के नोट्स को भी देखिए। आपको बताते चलें कि खोटा सचिवालय 2022 के लिए खोटा भाषा से संबंधित 50 फुल लेंथ टेस्ट जो है मात्र 199 रुपये में यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। इसमें टॉपिक वाइज सिलेक्शन टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। स्टडी फॉर गोल को आप देखते रहें और खोटा की और आगे बढ़ाते रहें खोटा के साहित्य को और अपने जीवन को संवारते रहें। तब तक